चलो बच्चों जल्दी से आ जाएंगे आज लास्ट सेशन है हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जिसमें हम फैमिली सेन के एंड करने वाले हैं कल हमने कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ा और बाकी की फैमिलीज आज हम पढ़ने वाले हैं तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाएंगे लेट्स क्रैक इट चलिए भाई दिल बन गया जल्दी से आ जाएंगे सारे बच्चे हाय शाश्वत हेलो सबसे पहले बताओ आर यू गाइज एबल टू सी मी एंड हियर मी अ थम्स अप आई यू गाइज एबल टू सी मी एंड हियर मी एक सेकेंड हाँ जी जल्दी से बता दीजिए जल्दी से चलिए। तब तक लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल है नाम है बी डी एस गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एम एस रामया डेंटल कॉलेज सो अपार्ट फ्रॉम बींग वेरी पैशनेट डेडिकेटर और आज कर रहे हैं हम बेटा फ्लॉरिंग प्लांट में लास्ट सेशन ठीक है इसके बाद ये चैप्टर खत्म और मंडे को इसके क्वेश्चन करेंगे ट्यूजडे को इसके इसके कुछ क्वेश्चन और फिर इसके बाद सॉरी ज्वाइन हाँ कर लेंगे लेट्स नहीं, के नाम से ये चैनल है। आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे सारे नोट्स अपडेट सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है इसके अलावा इसके अलावा अगर आपको ठीक है एक लेवल आप करना है तो पहले तो ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे जहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं ऑल द नॉलेज यू गेन फ्रॉम योर एट दी अनलॉकिंग अनलॉकिंग लेवल ये सारी फ्री हैं यहाँ पे आपको क्विज भी फ्री मिल रही है कॉम्बैट भी फ्री मिल रहा है और क्या चाहिए भाई और क्या चाहिए ठीक है यहाँ पे सेवेंटी प्लस एजुकेटर आपको फ्री पढ़ा रहे हैं ठीक है मेरी भी स्पेशल क्लास आज साढ़े बजे एक और है कल से एक बजे फिर से वापस है हर हफ्ते में रोज़ एक बजे स्पेशल लगती है इसके अलावा अगर आपको ये सारी चीज़ें अनलॉक करनी है तो एक कोड लगाएंगे साक्षी हंड्रेड जिससे ये सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और कॉम्बैट में तो हंड्रेड परसेंट तक की स्कॉलरशिप मिल रही है तो यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अलावा अगर आपको अपनी पढ़ाई को लेवल अप करना है तो आन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं विच आर वेरी वेरी इंटरटिव लाइव टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड कंटेंट इसका बड़ा भाई आईकॉन एक्ट जहां पे आपको मिल रहा है पर्सनल मेन जो कि डेली बेसिस पे आपको, आपको गाइड करेगा कि पढ़ाई को बेस्ट कैसे बनाएं लाइव डाउट सोल्यूशन टू सॉल्व योर डाउट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस एन अमेजिंग फीचर ऑफ पेरेंट कनेक्ट जिसमें आपके पेरेंट और मेंटोर में ओपन सेशन होते ताकि आपके एक भी इशू को रिजॉल्व करने से ब, किसी भी इशू को रिजॉल्व अगर करना है उसको तुरंत कर दिया जाए कोई भी लेके नहीं छोड़ा जाए एंड ऑल दी प्लस बेनिफिट तो अगर इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आना है बच्चों तो चूज योर गोल ऑन अनगर्मी लर्निंग ऐप चूज द सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन आप प्लस से ले रहे हो या आइकॉनिक ये आप पर डिपेंड करता है सो चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट एंड रिमेंबर द कोड साक्षी हंड्रेड फॉर इमीडिएट टेन परसेंट ऑफ एंड मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको इसी कोड से मिलने वाली है तो डो नॉट फॉरगेट द कोड साक्षी हंड्रेड हर चीज के ताले की चाबी है साक्षी हंड्रेड फॉर एनी अनलॉकिंग फॉर माई टेलीग्राम ग्रुप एवरी थिंग इज साक्षी हंड्रेड ओके okay? चलो आ जाएंगे जल्दी से हम अपने आज परिवार के बारे में बात कर रहे हैं किसके परिवार के बारे में एनजीओ स्पर्म के परिवार के बारे में कल हमने तीन परिवार के बारे में पढ़ा कौन कौन से थे वो पहला था मालवेसी कुकरबिटेसी और सोलनेसी तीन परिवार हमने कल पढ़ लिए आज हम आगे पढ़ेंगे तो ये थी कहानी अब तक उसके फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखने थे क्या पढ़ना था उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें हमने देखी हाय संदीप और जल्दी से जाओ सब लोग नोटिफाई करो अपने फ्रेंड्स को फटाफट से क्लास में आ जाओ सारे फटाफट से विदाउट अ डीले जल्दी से आ जाएंगे सारे लोग क्लास में चलो आज हम री देखेंगे क्रूसी फेरी फैमिली था मालवेसी और सोलेनेसी का हमने री यानी कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ाई किया था मैम आपका एक भी वी और वीडियो प्रीमियर हो रहा है ये वो वीडियो बहुत छोटू सा है डू गो एंड वॉच दैट वीडियो छोटा सा वीडियो एक बार वो प्रीमियर हो जाए तो फटाफट से इधर आ जाएंगे बहुत छोटू सा है जब तक मैं इसका इंट्रो लूंगी वो वाला वीडियो भी फिनिश हो जाएगा चलो देखते हैं भाई कहाँ हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे एक मिनट Come on everyone. एक ही टाइम पे प्रीमियर कर दिया ना तो कंफ्यूजन हो गई है कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं चलिए यहाँ शुरू करेंगे हम यहाँ शुरू करेंगे क्लास को फटाफट से तो पहले हमारा आएगा लेग्यू ये कौन सी फैमिली है ये कौन सी फैमिली है भाई जो हम डेली में खाना खा रहे हैं उसी की फैमिली है तो क्या खा रहे हो जितने भी लेग्यूम्स कह रहे हो चाहे वो पल्सेस होंगे ठीक है चाहे वो ग्राम्स हैं ठीक है वो बीन्स हैं ये सारे क्या है? लेग्यूमिनेसी हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के ही बच्चे जच्चे हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के ही जच्चे बच्चे हैं ये तो ये तीन सब फैमिली में डिवाइडेड है कौन कौन सी पैपिलोटी ठीक है सीशल पिनोइडी और मेमोसोडोइडी तो ये छोड़ो इतना नहीं याद करना नाम को तो पहले इसकी फैमिली फैबेसी है बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि पी की फैमिली है अब इसको फैबेसी कहते हैं पहले इसको पेपिलिनोसी फैमिली के नाम से भी जाना जाता था तो फटाफट से फटाफट से बताइए पी फैमिली जो होती है वो क्या है पी फैमिली बेसिकली आपकी मैंशनड है पहली बात तो एन में तो ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप फैमिली आपके एन में मैंशनड है तो पी फैमिली को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो पूरी दुनिया में आप ये फैमिली को देख सकते हैं बिल्कुल ये वाली फैमिली आपकी फुल दुनिया में आप देख सकते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है रूट जो होते हैं इसके रूट यानी कि इसकी जो जड़ें हैं जड़ों की बात करें तो ये ब्रांच्ड और टैप रूट होते हैं तो ट्रू रूट हैं बेसिकली रूट सिस्टम है रूट नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं कभी कभार राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ यस दिस इज द मेन फीचर ऑफ व्हाट? लेग्यूमिनेसी फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली यहाँ आप देखो स्टेम कैसा होता है इरेक्ट और या फिर क्लाइंबर होता है तो पी में आपको पता है टेंड्रिल भी प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है टेंड्रिल भी प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे क्लाइंबर भी हो सकते हैं और इरेक्ट भी हो सकते हैं राइट हाय बायोलॉजी विंग्स हेलो 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 एवरीवन लीव्स क्या होती हैं ऑल्टरनेट होती हैं और पिनेटली कंपाउंड होंगी या फिर सिंपल पिनेटली कंपाउंड का मतलब क्या है हाई वैष्णवी आपके निकल के एक पत्ती बन रही है फिर एक पत्ती बन रही है या तो ये डिवाइड होके लीफलेट्स बना रही है ठीक तो है लीफ बेस होगा होंगे, स्टिपुलेट और होगा होंगे यानी कि वेन वेनलेट्स में डिवाइड होगा और फर्दर डिवीजन उनका हो जाएगा क्लियर फ्लोरल कैरेक्टर में क्या इनफ्लोरेशन रसीन टाइम है रसीन टाइप वही होता है जिसका ठीक है फ्लोरल एक्सिस फ्लोरल एक्सिस है राइट फिर आप क्या देखेंगे यहाँ पे फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो कैसे लिखेंगे ब्रैक्टिएट बी आर इज ब्रैक्टिएट बाईसेक्सुअल है यानी कि हर्माफ्रोडाइट है हर्माफ्रोडाइट का साइन देंगे इपोगावरी एंड पेंटामेरसाइगोमोर्फिक सिमेट्री जाइगोमोरफिक बोल रहा है तो डिवाइड का साइन बनेगा एंड प्रजेंस ऑफ डिफरेंट पेटल्स तो ये आपके फैबिसी फैमिली को बताया जा रहा है इस तरह से वैबिसी फैमिली में चलो बच्चो फटाफट से आ जाओ वो वीडियो खत्म हो गई है जल्दी से आ जाओ सारे अब तो क्या कैलिक्स को हम के से डिनोट करते हैं के में सेपल पांच बोल रहा है ये गैमो से यानी इसके ऊपर आपका लग जाएगा इन्वर्टेड दो ब्रैकेट इसके अलावा एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट या वेलवेट होगी इम्ब्रिकेट या वेलवेट वेलवेट में या तो जस्ट टच कर रहा होगा और इम्ब्रिकेट में एक बड़ा उसके अंदर छोटा उसके अंदर सबसे छोटा वाला आएगा राइट बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो ना कि मेरा वो वाला क्लास चल रहा है ये वाला क्लास चल रहा है हाँ जी जल्दी से आओ जल्दी से आ जाइए जल्दी से कमॉन एवरीवान कन्फ्यूजन नहीं करो एक बार जल्दी से बुला दो सबको बच्चा चलिए फिर क्या है कैलिक्स आपका फाइव और गैमो है, है एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होगा या वेलवेट या तो जस्ट टचिंग होगा या तो एक बिगर पेटल फिर स्मॉलर और सबसे स्मॉलर पेटल होता है क्लियर कोरोला कोरोला को सी से आप डिनोट करते हो सी में क्या होगा आपका पेपिलोनेशियस पांच कोरोला हैं आपके बटरफ्लाई पॉली पेटल फ्री रहेंगे कंटेन सपोशी टू विंग्स एंड टू वन कील यानी इनका क्या है ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में है किसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन वैक्सिलरी एस्टिवेशन सॉरी दिस इज वैक्सिलरी नॉट इम्ब्रिकेट सॉरी सॉरी दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट बेसिकली क्या होता है अगर वेलवेट में ही एक दो पंखुड़ियां ऊपर नीचे हो जाए तो वो वेलवेट एस्टिवेशन बन जाएंगी हाय मान सिंह चलो ये रहा आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन इस तरफ एक बड़ा पेटल होता है जो स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर दो होते हैं आपके फिर लास्ट में कील होता है जो कि फ्यूज होता है एंड्रोशियम ए से डोनेट करो डिनोट करोगे स्टेमन दस है नाइन स्टेमन फ्यूज है तो नाइन प्लस वन है टूगेदर टू तो फॉर्म अ शीत एंड टेंथ वन इज फ्री तो नाइन फ्यूज है और एक आपका फ्री है एंथर कैसे है डाय है हैं क्या है बच्चों डाय थी कस हैं हाँ हाय अनुराग यस बच्चों मैं लाइव हूं मेरी दो वीडियो एक साथ लाइव हो गई है एक में मैं सच में लाइव हूं और एक मेरी प्रीमियर हो रही है डो नॉट गेट कंफ्यूज कि उतना ही बड़ा वीडियो आज था ये क्लास चल रही है चलो गाइनोशियम क्या है सुपीरियर ओवरी है मोनो यानी एक ही कार्पल है सुपीरियर ओवरी सिंगल मार्जिनल मैनील तो पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है जैसे कि आप जानते हो राइट right? लेग्यूम या पॉड होता है फ्रूट में ड्राई होता है डेसेंट वन चैम्बर लोमेंटम एस पाउंड ग्राउंडनट भी इसका एक वन ऑफ दी एग्जाम्पल है ग्राउंडनट भी इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है क्लियर नॉन एंडोस्पर्मिक है और वन टू मेनी प्रेजेंट होते हैं वन टू मेनी तो इसका फॉर्मूला कैसा बना देखो इसका बनेगा डेफिनेटली जाइगोमॉर्फिक है हर बाई सेक्शुअल है पांच हैं आपके कैलिक्स यानी कि आपके सेपल जो कि फ्यूज हैं कोरोला वन प्लस टू है प्लस टू, टू यानी वैक्सिलरी एस्टिवेशन है और फिर एंड्रोशियम नाइन है जो फ्यूज और एक है फ्री गाइनोशियम एक ही होता है क्लियर है डायग्राम में क्या देखेंगे आप फ्लोरल डायग्राम में ये आपका तरीका बना हुआ है और आपका जो प्रेजेंटेशन है उससे आप ये पहचानेंगे मार्जिनल से आप इसको पहचानेंगे कैसे कैसे बताओ मार्जिनल प्रेजेंटेशन से जब इनका ओवरी देखोगे आप ओव्यूल तो ये मार्जिन पे जाके लगा होगा फ्लोरल डायग्राम में आप समझ जाओगे ये किसका है पी का है आपके फ्लोरल डायग्राम क्लियर है ये पी का फ्लोरल डायग्राम है मैम बस दो मिनट क्या हो गया क्या हो गया क्या चल रहा है चलो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है सोर्स ऑफ फूड है बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है पिजन पी हुआ आपका ग्राम हुआ मटर चना ग्रीन ग्राम मसूर किडनी बीन उद राज, जो भी सोयाबीन काउ पी सारे पल्सेस हैं और सारे प्रोटीन रिच रिच होते हैं तो वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी न्यूट्रिशियस दे आर फॉर्डर के लिए बरसीम यूज होता है एज ए ग्रीन मेन्योर धानचा यूज होता है फाइबर के नाम पे सन हेम्प यहाँ से मिलता है आपको और टिम्बर में शीशम की लकड़ी आप जो कहते हो कि शीशम की लकड़ी बहुत ही बढ़िया होती है वो वो क्या होती है वो यहीं से टिम्बर आपका इसी की फैमिली से फैबिसी से मिलते हैं डाई में नील मिल जाता है इंडिगो कलर बेसिकली इंडिगो जो नेचुरल इंडिगो कलर होता है वो कहाँ से मिल रहा है फैबिसी फैमिली से ही मिलता है मेडिसिनल प्लांट में मुलेठी है गले के लिए रामबाड़ ठीक है फॉर थ्रोट इन्फेक्शन बहुत अच्छी होती है और ऑर्नामेंटल प्लांट में इंडियन टेलीग्राफ प्लांट स्वीट पी और ल्यूपिन जैसे प्लांट इनमें मिलते हैं एडिबल ऑयल में सोयाबीन ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल दोनों ही इनमें आता है क्लियर क्लियर है अभी सारे कहाँ आ गए पार्वती कितने लोग आज कंफ्यूज हुए हैं मैम दो जगह हैं एन जी कितने लोग आज कंफ्यूज हैं मैम दो दो जगह व्याप्त हो गई हैं कि मैम इधर भी पढ़ा रही हैं और उधर भी पढ़ा रही हैं चल क्या चल रहा है ब्लॉक ब्लॉक खेल रहे हो टेलीग्राम प्लांट बहुत बहुत कॉमनली सीन है हाय अनुराग हमने एक फैमिली पढ़ ली जिसका नाम था फेबिसी जो कि लेग्यूम की वन ऑफ द फैमिली जिसमें हमारा पी प्लांट आता है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ री इंपॉर्टेंट very, very उसका फ्लोरल डायग्राम कैसे पहचानेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन से राइट right? चलो नेक्स्ट लीली फैमिली का यानी लीलिए अगेन दिस इज गिवेन एन एनसीआर ये सारे इंपॉर्टेंट फैमिली पढ़ा रही हूं ध्यान से भटकना नहीं है ध्यान से भटकना नहीं है बच्चों लड़ाई नहीं ब्लॉक ब्लॉक मत खेलो इतना करो कि स्टूडेंट्स को बता तो दो आज तो बहुत बड़ा झोल हो गया मोनोकोट्स मोनोकॉट्स होते हैं ये और डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वर्ल्ड वाइड पेरियांत इसमें प्रेजेंट है पेरियांत क्या है बच्चों कम से कम आठ से दस बार बता चुकी हूँ पेरियांत क्या होता है ठीक है पेरियांत में आपके कैलिक्स और कोरोला फ्यूज होते हैं कैलेक्स और कैरोला में कोई डिफरेंस नहीं होता है If is green, तो उसको क्या कहेंगे? Sepaloid. और अगर वो दूसरे कलर का हुआ other than green, तो उसको क्या कहेंगे petaloid. उसको petaloid जैसे lily में. Green किस में। होता है? हमारे अनियन में होता है पेरियान तो उसको क्या कहते हैं आपके सेपेलॉयड अगर पेरियान ग्रीन से अदर कोई कलर है तो उसको पेटेलॉयड कहते हैं इफ पेरेबर अंडरग्राउंड बल्ब राइजोम तो ये मोस्टली अंडरग्राउंड वाले होते हैं अंडरग्राउंड जो भी आपको मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये अंडरग्राउंड ग्रोइंग होते हैं आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इनका बड़ा नाम सुनते हो रूट एडवेंटिशियस फाइब्रस यूजेंटिशियुलेटेड रूट एसपैरगस में एरियल स्टेम इज प्रेजेंट इन फ्यू प्लांट और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हैव अंडरग्राउंड स्टेम जैसे बल्ब हुआ राइजोम हुआ कॉर्ब ये सारे मॉडिफिकेशन है स्टेम के लीव्स क्या है बेसल होती हैं ऑल्टरनेट लीनियर एक्सट्रिपुलेट यानी स्टिपुला एब्सेंट है स्माइलेक्स एक एक्सेप्शन है जहाँ रेटिकुलेट वेनेशन होता है और यहाँ ध्यान हाँ से देखना ये रेटिकुलेट वेनेशन का आपके एक्सेप्शन दे रहा है सारे मोनोकॉड्स मोस्टली मोनोकॉड्स कैसे होते हैं पैरल वेनेशन के होते हैं राइट पैरल वेनेशन के होते हैं लेकिन एक हमारा स्माइलेक्स प्लांट है जो मोनोकॉट है लेकिन इसमें क्या होता है वेनेशन होता है क्या होता वेनेशन होता है क्लियर है क्लियर है है बच्चों चलो या साइमोज होगा या अम्बलेट टाइप होगा तो साइमोज में क्या है जो मेन ब्रांच है वो ग्रो करती है बाकी नीचे से नए प्लांट या नए फ्लावर उगते हैं हाई तहस नीम हाई नीट फाइटर चलो और फ्लोरल क्या फ्लावर बाइसेक्सुअल है एक्टिनोम कैसे दिखाएंगे बाइसेक्सुअल एक्टिनोमफे और पेरिया में टेपल है तो पी से डोनेट कर डिनोट करेंगे यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला के लिए के और सी नहीं यूज होता है तो पेरियान में तीन तीन टेपल है यानी थ्री प्लस थ्री रहेंगे राइट right? नेक्स्ट क्या है हमारा फिर एंड्रोशियम जिसको ए से कहेंगे एपीफाइलस यानी आपका पेरियां और एंड्रोशियम फ्यूज है फ्यूज है समझ में आया आप तो छह स्टेमेन है इसमें अरेन्ज इन टू टू वर्ल्ड तो दो वर्ल्ड में अरेंज है तो थ्री प्लस थ्री बोलेंगे और पॉली एंड्रस है तो फ्री रहेंगे क्लियर है क्लियर है चलो गाइनोशियम अगेन आपका ट्राई कार्पिलरी है यानी है मेनी ओव्यूल्स और सुपीरियर ओवरी एक्साइल प्लेसेंटेशन फ्रूट क्या होंगे अनियन होगा लिली होगा एंडोस्पर्मिक होता है डेफिनेटली इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और फ्लोरल फॉर्मूला क्या है आपका ब्रैक्ट प्रेजेंट है एक्टिनोमॉर्फिक है फिर आपका है, बाई है पेरियांत और एंड्रोशियम कनेक्टेड है गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी और थ्री हैं और फ्यूज होते हैं क्लियर चलो फ्लोरल डायग्राम में आप ऐसे देखेंगे इसको फ्लोरल डायग्राम यू कैन सी द फ्लोरल डायग्राम इसमें एक्सियल प्रेजेंटेशन है एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है क्लियर चलो नेक्स्ट टाइम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस अनियन हमारा फूड की तरह इसकी फ्लैशी लीव में खाना स्टोर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं वैसे गार्लिक में भी उसकी कलियां जो होती हैं वी आर यूजिंग एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होता है डायबिटीज पेशेंट को कहा जाता है सुबह खाली मुंह आप दो दाने आप लहसुन के खाएंगे आपका डायबिटीज़ अपने आप कम हो जाएगा सतावर यूज हुआ जाता है वेजिटेबल के फॉर्म में ऑर्नामेंटल फ्लावर में लिली है ट्यूलिप है ये फ्लावर हैं आपके मेडिसिनल यूज में एलोवेरा इसी में आता है एलोवेरा बहुत ही रामबाड़ दवा है अगेन क्या करती हैं आपकी एलोवेरा किस चीज़ में काम आती है आपके बालों के लिए आपके चेहरे के लिए आपके बॉडी में बहुत सी चीज़ों के लिए आपके एलोवेरा यूज़ होता है बिल्कुल कैप्टन मावेल आई रिकॉग्नाइज यू हेलो 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 एवरी गुड इवनिंग गार्लिक हार्ट डिजीज़ शुगर के लिए और डायबिटीज़ के लिए र्यूमिटॉयड रोमेटॉइड अर्थराइटिस रोमेटिजम इन सब के लिए गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है अदर यूज इन कॉल्चीसिन जो है एक पॉइजन है इज ऑप्टेन फ्रॉम कॉम्स ऑफ दिस प्लांट इंड्यूस इन प्लांट तो ये कॉल्चीसिन को हम कई बार पढ़े हैं कॉल्चिसिन क्या करता है आपका पॉलीप्लॉयडी आपको बढ़ाता है ये आप पढ़ोगे अपना हेरीडिट्री में भी आता है इसका नाम कि पॉलीप्लॉयडी कौन सा एक, एक आपका नेचुरल चीज बढ़ा रहा है वो कॉलची सीन होता है हेलो तहस नहस क्या चल रहा है भाई अरे बेटा मैं आपको पहचान रही हूँ आई थिंक आर्यन नाम है आपका इट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्योंकि कैप्टन एक अमेरिका अलग आते हैं कैप्टन मार्वल अलग आते हैं हाय सौम्या कैप्टन मार्वल एक सेकेंड आर्या नहीं कोई तो है आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम बट ये मेरी स्टूडेंट है हाय सौम्या सौम्या ही है इज इट यार मुझे अब फंसाओ मत बता दो एक बार ठीक है यार मैम भी भूल जाती हैं कॉम्पोजिटिव फैमिली हमारे सूरजमुखी की फैमिली किसकी सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर की फैमिली के बारे में बात करेंगे अब सनफ्लावर की फैमिली में क्या होते हैं हाई मोयूर लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एनजीओ सबसे बड़ी फैमिली है आपके एनजीओ की ये याद रखना है लार्जेस्ट फैमिली है एनजीओ की कौन सी एस्टरेसी कॉम्पोजिटी जो सनफ्लावर की फैमिली होती है क्लियर हाँ सौम्या ही है अरे यार मतलब इतना मत कंफ्यूज करो आप लोग नाम बता दो यार मतलब वैसे ही मैं पढ़ा रही हूँ आप आप लोग नाम नाम खेल रहे हो एक बार बता दो यार ठीक है मैम से एक बार मिस हो जाता है इन फ्लोरसन रसीमोज होता है यानी कि कैसे जा रहा है आपका एक फ्लावर फिर दूसरा फ्लावर ती, तीसरा फ्लावर चौथा फ्लावर ऐसे करके बढ़ते जाएगा मदर एक्सेस कैलिक्स क्या, क्या हेरी स्ट्रक्चर होता है पैपस होता है ये क्या करता है आपके ठीक है पैपस से क्या होता है सीड डिस्पोजल में मदद करता है और हाँ जी हाय अंकिता चलिए मैं किसी को नहीं भूली हूँ यार मतलब प्लीज़ मतलब मैं किसी को नहीं हूँ वैसे ही आजकल मैं किसी को क्यों भूलूँगी पहले ये बताओ क्यों भूलूँगी मैं इतने सारे स्टूडेंट्स इतने स्टूडियस हुआ आपका नाम तो सौम्या है सौम्या मैं तो आपको पहचान रही सौम्या अंकिता कैप्टन मार्वल ये सारे फीनिक्स बायोज़ोन के स्टूडेंट है ये मुझे पता है हाय एम्स दिल्ली अनुराग ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे गलत बात है बेटा तो आपका परसिस्टेंट अटैच्ड टू तो ऑन द फ्रूट हेल्प्स इन डिस्पर्सल फ्रूट डिस्पर्सल में मदद करता है ये पेपस लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है आपका ऐसे 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 कुछ बाल लाइक -like स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं ये। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका निकला होता है कोरोला पेटल पांच होते हैं गैमो पेटलस होते हैं कोरोला पांच होंगे और गैमो पेटलस होते हैं राइट गैमो पेटलस अरे ये कलर तो दिख ही नहीं रहा है चलो फिर क्या है आपका देखो ये एंड्रोशियम अगेन आपका पांच है एपी पेटलस है यानी कि आपके पेटल से कोरोला से अटैच होगा ये सिंजेनेसियस है ओवरी बाई कार्पिलरी गाइनोशियम इन्फीरियर ओवरी है तो ऊपर की तरफ अब यहाँ ध्यान रखना सनफ्लावर की फैमिली में ओवरी इन्फीरियर है हाँ इन्फीरियर है आपकी ओवरी ओवरी इज ऑलवेज इंफीरियर तो इसी के फॉर्मूले में ऊपर की तरफ आपका लाइन आएगा सिन कार्पस है बाई कार्पिलरी है बाई कार्पिलरी मतलब दो होंगे मैंने पांच लिख दिए सिन कार्पस होगा चिपसेला विथ हेरी पैपस दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस फैमिली फैसिकुलेटेड रूट्स डहलिया बेसल प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन से भी आप इसको पहचान सकते हो ब्रैक्टेट होंगे जाइगोमोर्फिक ठीक है आपका मेल या फीमेल ये रे फ्लोरेट है ठीक है आपके सनफ्लावर में तीन तरह की फ्लोरेट होते हैं रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट और तीसरा क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ तीसरा होता है न्यूट्रल फ्लावर क्या होते हैं न्यूट्रल फ्लावर क्लियर है तो रे फ्लोरेट जब आएगा आपका तो उसमें केवल फीमेल होता है केवल फीमेल पार्ट होता है ठीक और आपकी जो कोरोला है वो फाइव होगा फ्यूज होगा एंड्रोशियम होगा ही नहीं गाइनोशियम में इंफीरियर ओवरी और दो होंगे वो भी गैम फ्यूज होंगे डिस्क फ्लोरेट में क्या होगा आपके ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा ये हर्माफ्रोडाइट होगा आपका कोरोला है तो कैलिक्स और एंड्रोशियम आपका फ्यूज है फाइव फाइव एम फ्यूज है गाइनोशियम और अगर आपसे फ्लोरल फॉर्मूला पूछेगा तो मोस्टली यही वाला फ्लोरल फॉर्मूला आएगा दिस वन यू हैव टू रिमेंबर ठीक है दिस वाला ही आपसे पूछा जाएगा सनफ्लावर फैमिली में पूछते हैं स्टेराइल फ्लावर जिसको न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं वो स्टेराइल होते हैं इनमें क्या होगा जयगोमोरफिक होगा ब्रैक्टेट ठीक है एंड्रोशियम गायनोशियम अंडा होगा तो जब ये अंडा अंडा आएगा तो समझ लेना ये न्यूट्रल यानी कि स्टेराइल फ्लावर है समझ रहे हो जैसे गायनोशिम एंड्रोशिम आपको जब ये पहचानना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या है एक्चुअली ठीक है सौम्य बेटा मैं किसी को नहीं भूली बेटा सच में बता रही हूँ तो जैसे ही आप देखोगे अंडा अंडा बना है आप समझ जाओगे कि ये स्टराइल फ्लावर है यानी कि इनमें ना पॉलन बनेगा ना मेल गैमिट बन रहा है ना फीमेल गैमिट बन रहा है तो वहीं पे अंडा मार्क करोगे प्लेसेंटेशन बेसल है यहाँ देख सकते हो आप नीचे की तरफ आपका ओव्यूल बना हुआ है तो ये बेसल प्लेसेंटेशन शो कर रहा है अगेन बहुत अच्छा फीचर है टू रिकॉग्नाइज़ द कॉम्पोजिटी या सनफ्लावर की फैमिली को राइट तो ये रे फ्लोर का आपका डायग्राम बनाया हुआ है बट मोस्टली डिस्क फ्लोरेट आपसे पूछा जाता है ओके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है एस्टेरे फैमिली की सनफ्लावर का तेल कितने लोगों ने सुना है कितने लोगों ने सुना है देर इज अ सन ऑयल ऑल्सो देर इज अल है सन फ्लावर ऑयल डू यू गाइज नो एट हाँ जी अनुराग बेटा मैं आपसे तीन या चार बार बहुत प्यार से बोल चुकी हूँ किसी के ऊपर ऑफेंसिव एक्ट या कॉमेंट मत करिए ठीक है आई एम टॉकिंग टू हर न छोड़ दीजिए ठीक है इफ़ शी इज टॉकिंग शी वॉन्ट्स टू टॉक आई एम टॉकिंग मैं आपसे भी बात कर रही हूँ डो नॉट प्ले एनी ऑफेंसिव स्टेटमेंट ऑन एनी वन हंसने वाली बात नहीं है ये ना ये देखो एक तमीज़ होती है एक तरीका होता है क्लास में बैठने का अगर आप वो भूल के बैठ रहे हैं तो प्लीज़ माफ़ करिए मेरी क्लास आपके लिए बनी नहीं है ठीक चलो ट्यूबर ट्यूबर्स आर ईटन एंड कंटेंस इन्यूलिन क्रिस्टल इन्यूलिन क्रिस्टल ठीक है सनफ्लावर की सीड ऑयल यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज तो सनफ्लावर ऑयल बहुत ज़्यादा हार्ट के लिए भी अच्छा होता है लोग कहते हैं तो इसको कुकिंग परपज़ के लिए यूज़ किया जाता है मेडिसिनल प्लांट में आपका भृंगराज आता है भृंगराज का तेल सुना है भृंगराज के तेल से बाले बाल बाल मजबूत बन जाते हैं लोग कहते हैं तो इसका हेयर टॉनिक की तरह यूज़ होता है इनका ऑयल इसके अलावा क्रिजांतिम शिनार गुली ये तो मैंने भी नहीं सुना है इंसेक्टिसाइड होता है ठीक है टेरेक्सैकम ये बेकार है सब चीज़ छोड़ो ऑर्नामेंटम मैरीगोल्ड सनफ्लावर ये सारी एक ही फैमिली है डेफिनेटली शादी वाले फूल हमारे शादी वाले फूल भाई इनको याद रखना या ये एस्टेरेसी फैमिली से हैं पार्थेनियम हिस्टो और क्या है कैरेट ग्रास कॉजे स्किन एलर्जी इसके जो कैरेट ग्रास होते हैं इनसे पोलिन एलर्जी बहुत, होती। बहुत होती। अच्छी होती है पोलिन एलर्जी बहुत जल्दी होती है अच्छी तो नहीं कहेंगे पोलिन एलर्जी बहुत जल्दी होती है ये बहुत कॉमन यूज है जब पोलिन एलर्जी की बात की जाए कैरेट ग्रास ठीक है तो कैरेट ग्रास का नाम पॉलन एलर्जी में ज़रूर याद रखना ठीक वो बेटा आप एंड एंड में आओगे तो समझ में भी नहीं आएगा क्या नहीं समझ में आया बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें इसीलिए मैं जब फ्लोरल फॉर्मूला का बता रही थी कि, कि किस वर्ड से किसको डिनोट करते हैं उस समय बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि ब्रैक्टिएट कह रहे हैं तो बी आर यूज होगा पेरियां कह रहे हैं तो पी यूज होगा पी क्यों यूज कर रहे हैं क्या मतलब है हाँ जी चलो तो अभी ये बताओ जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है डेफ़िनेटली आपका पूरा का पूरा एन सी आर टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने एन सी आर टी लाइन बाई लाइन में एक एक चीज़ आपको पढ़ाई है उसमें मैंने आपको ये भी बताया उसको कैसे पहचानना है ठीक है अगर कोई प्रोग कोई फॉर्मूला आ जाए कोई डायग्राम आ जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे तो पहले वो तीन आपके बेसिकली दिए हैं एन सी आर टी में फैमिली फैबेसी लिलियसी और एक और दिया हुआ आई थिंक कॉम्पोजिट ही दिया है आई एम नॉट श्योर द थर्ड फैमिली क्योंकि मैं सारी फैमिली ध्यान दी तो ये तीन फैमिली तो आपको याद रखनी है डेफ़िनेटली याद रखनी है इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी इसके अलावा ये सारे जो हैं इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे सबसे बड़ी फैमिली एनजीओ स्प में क्योंकि ये आपका प्लांट किंगडम से कनेक्ट कर रहा है प्लांट किंगडम से कनेक्ट कर रहा है इसलिए कभी ये नहीं बोला जा सकता है कि आप ये नहीं पढ़ के आए हाय माइकल जैक्सन हाय कैरी ठीक है तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये नहीं बोलना है कि हर चीज़ आउट ऑफ सेलेबस है क्योंकि ये प्लांट किंगडम का पार्ट है समझ रहे हैं तो ऐसे आप हटा नहीं सकते इसको डायरेक्टली कि भाई नहीं हमने देखा ही नहीं तो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत वेल है आपको सोलान एसी कल पढ़ाया था स्वरूप जिसमें मैंने टु, पोटैटो टोमेटो सब पढ़ाया आपको तो बहुत अच्छे से उसमें बताया था मैंने ब्रंजॉल भी इसी में आता है सारी चीज़ें कल बताई थी सोलन एसी फैमिली के बारे में तो आज यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमने ख़त्म किया है अभी बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें कुछ है देखो फ्लोरल फार्मूला में आपको ट्रिक्स निकाल के देखनी होंगी कि कौन सा ऐसा पॉइंट आप ऐसा पकड़ोगे जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये यही फैमिली है तो इसके लिए क्या करना होगा पहले तो एक शीट ऑफ पेपर लो सारे फॉर्मूलाज नोट करो वो तीन फार्मूला तो आपको याद ही रखने हैं जो आपके एन में है ठीक है उसमें भी आप डिस्क्रिपेंसी निकाल लोगे वो सारे छः या सात फैमिली उसके फार्मूलाज नोट करो एंड पिक आउट द मोस्ट एप्रीड जैसे इनफाइनाइट इनफाइनाइट आपका एंड्रोशियम था कल हमने पढ़ा तो इनफाइनाइट एक ही में आएगा तो वो सारी चीज को आपको पिक करना है कि भाई यहां इनफाइनाइट आ रहा है मतलब ये मालवेसी फैमिली है या ये ये वाली फैमिली है तो यहां पे डेफिनेटली कोई और फैमिली नहीं आएगी हाय अनिष्का हाय 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 आप पेशावर से हैं बहुत अच्छी बात है बेटा अपना नाम आप अगर इंग्लिश में लिख देंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आता इतना अच्छा ठीक है चलो डायग्राम से यही देखना आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है ठीक है एस्टिवेशन पे ध्यान देना है ठीक है किसका एस्टिवेशन है किसका प्रेसेंटेशन जहाँ बेसल आ रहा है जहाँ मार्जिनल आ रहा है वहाँ पिक कर लोगे तुरंत कि ये एस्टेरेसी फैमिली है ये फैबेसी फैमिली है या फिर ये पी प्लांट है लेगुमनेसी फैमिली है तो वैसे, वैसे वैसे आपको अपना पिक पॉइंट उठाना होगा नेक्स्ट हमारी ग्रास फैमिली जो कि घास वाली फैमिली होती है जिसको ग्रामीण एसी कहते हैं लार्जेस्ट फैमिली ऑफ इंडियन फ्लोरा ये मोनोकॉट की फैमिली है पूरी तरीके से तो ये जो दूब आप घास अपने गार्डन में लगाते हो नीचे ये भी इनकी भी एक फैमिली जिसको हम पोएसी या ग्रामीनेसी फैमिली कहते हैं इनका स्पाइक्स होता है इनमें स्पाइक होता है या स्पाइकलेट भी हो सकता है इनमें क्या जाइगोमोर्फिक होते हैं अगेन आपके ये बाईसेक्सुअल होंगे ग्रास आपके यूनिसेक्सुअल भी होते हैं किसमें जिया मेज यानी कि मेज में और कोएक्स फ्लावर में हाइपोगाइनस और ट्राइमेरस मैक्सिमम ओवरी हाइपोगाइनस है पेरियान प्रेजेंट है यानी कि इसमें भी कैलिक्स और कोरोला मर्ज है आपके राइट हाई शुभम टेपल प्रेजेंट है दो और पॉलीफाइलस है मेमोरी सिचुएटेड इन एंटेरोलेट्रल पोजिशन कॉल लोडी एंड्रोशियम क्या है आपका A से डिनोट होगा तीन स्टोमेन है और पॉली एंड्रस यानी फ्री हैं, वर्सेटाइल लॉन्ग फिलामेंट इज अटैच टू तो बैक ऑफ एंथर एट पॉइंट ओनली एंड एंथर कैन स्विम फ्रीली गाइनोशियम सुपीरियर होगा ओवरी मोनोकार्पिलरी या से ट्राई कार्पिलरी तीन हो सकता है और सेन कार्पस होगा क्लियर बेसल प्रेजेंटेशन है फ्रूट होगा कलम और कैरियोप्सिस फ्लोरल फॉर्मूला क्या बनेगा ये बनेगा कुछ ठीक है ये बनेगा फ्लोरल फॉर्मला आपका जयगोमॉर्फिक ऐसे भी दिखा सकते हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं ब्रैक्ट होंगे तो ब्रैक्टिएट दिखाओगे ठीक है ये हारमाफ्रोडाइट यानी दोनों से बाई सेक्शुअल है क्लियर फिर आपका पेरियां में दो ही प्रेजेंट है टेपल एंड्रोशियम में तीन या छः का हो गए में एक होंगे अगर तीन होंगे तो फ्यूज होंगे फिर अगर आप यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे आपको देखते ही आपके इसके एंड्रोशियम वगैरह से पता चल जाएगा इसके प्लेजेंटेशन से और नंबर ऑफ पेरियान से पता चल जाएगा कि ये आपकी ग्रास फैमिली है। कौन सी फैमिली ग्रास फैमिली यानी कि दूब ग्रास इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस साइनोडोन दूब की ग्रास को ऑर्नामेंटल यूज पूजा वगैरह में यूज करते हैं लोग सीरियल में ज, जो जौ है ओट है बार्ली राइस राई मेज व्हीट बाजरा ये सारी किस्में आती हैं आपके हमारा जो मेन फूड है वो कहां से आ रहा है ग्रामीण इसी फैमिली से शुगर केन भी इसी की फैमिली का है फाइबर हिल्डिंग में मुंजा यूज फॉर मेकिंग रोप्स तो जो आप रस्सी बनाते हो बेसिकली वो किससे मिलती है इसी फैमिली से होती है बेटा सुबह मैं आठ बजे क्लास लेती हूँ मॉर्निंग एट ए एम टिम्बर हिल्डिंग प्लांट क्या है बैम्बू बैंबू बैम्बू का पेड़ बांस का पेड़ इसी में से होता है इसके अलावा बार्ली यूज टू मेक बियर मेज़ इज यूज टू मेक एल्कोहल ठीक है ये नहीं कि आप घर में पहल के पीस के उसको बना रहे हैं है, इससे अल्कोहल और आपके बियर का उत्पाद होता है ओके okay? कुकुर बिटेसी यानी गार्ड की फैमिली ये लौकी की फैमिली है लौकी करेला ककड़ी जितने भी होते हैं ना उनकी फैमिली को क्या कहेंगे कुकुर बिटेसी फैमिली कुकुम्बर ये सारे आपके कुकुर बिटेसी में आते हैं पेंटा पेंटागुलर होता है ब्रांच होता है विथ वैस्कुलर मंडल अरेन्ड इन टू सर्किल इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा इनफ्लोरसेंस क्या है सोलिट्री है मोनोशियस है मेल और फीमेल दोनों ही एक प्लांट पे प्रेजेंट है ई यानी ई बी आर लिखोगे टू शो ई ब्रैक्टिट और क्या है पेडिसलेट है पेडिसल प्रेजेंट है फ्लावर इनकम्प्लीट है यूनिसेक्सुअल एक्टीनोमोर्फिक है सिमेट्रिकल है फ्लावर आर पेंटामेरस एंड एपिगाइनस एपीगाइनस में क्या होगा बेटा कैलिक्स क्या हो रहा है कैलिक्स आपका सी से नहीं के से डिनोट होगा के से कैलिक्स बताओगे पांच सेपल हैं और गैमो सेपलस यानी फ्यूज हैं कोरोला में पांच पेटल हैं और क्या है गैमो पेटलस यानी अगेन फ्यूज है और यहाँ वेलवेट या, वेल या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है या तो ओवरलैपिंग होगी या तो फिर एक कोई पूरी तरह ओवरलैप हो रहा है ये पूरी तरह नहीं भी हो रहा है गाइनोशियम ट्राई कार्पेलरी सिंह कार्पस इंफीरियर ओवरी ऊपर की तरफ डंडी यूनिलॉक्यूलर पेराइटल प्रेजेंटेशन एंड्रोशियम एंड्रोशियम बाद में क्यों आ रहा है फाइव सेमेन है वन प्लस टू प्लस टू क्या हो रहा है आपका कोहेशन प्रेजेंट है फिफ्थ वन इज फ्री एंड सिन एंड्रस कंडीशन है फ्रूट पेपोटाइप बिटर इन टेस्ट करेला में देखते हो आप मेल फ्लावर का ये फार्मूला है इसमें गाइनोशियम ज़ीरो होगा फीमेल फ्लावर में मेल ज़ीरो होगा और आपकी इंफीरियर ओवरी होगी तीन होगी और फ्यूज होगी ये आपका क्या है फ्लोरल डायग्राम में मेल फ्लावर का और फीमेल फ्लावर का ये रहेगा तो अगर बीच में प्लेसेंटेशन गायब है यानी वो मेल फ्लावर है प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है तो वो फीमेल फ्लावर है क्लियर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कद्दू लौकी खरबूजा तोरी ककड़ी तरबूज खीरा करेला टिंडा सब इसके भाई बहन है सब भाई बहन है जितने ये सारी सब्जियां देख रहे हो जो आप खाने में अदाक करते हो ना मैं जानती हूँ मैक्सिमम बच्चे ये सब्जी खाने में काम ज़्यादा करते हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस सब्जी होती है ठीक है बहुत अच्छी होती है और आपके वेट गेन में भी वेट गेन नहीं होने देती है सारी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं तो सारी भाई बहन है एक दूसरे की भाई बहन है चलो दैट्स इट फॉर टुडे आज की क्लास बहुत लंबी नहीं थी ये लास्ट के दो फैमिली वाली चीज़ें जब तक हम एक बार प्लांट किंगडम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी तो बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ ट्रिक्स निकालने हैं ताकि आप बस फैमिलीज को पहचान पाओ और उनका फॉर्मूला लिख पाओ बस इतना आपको करना है बाकी क्या करना है बच्चों जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो हम चार्ट्स बना के पढ़ेंगे ताकि हमें हर हर क्लासिफिकेशन की क्लैरिटी मिल पाए ठीक है मुझे पता है लास्ट दो तीन बड़े ही बोरिंग वाले टॉपिक्स थे बट हम मंडे से हम फोड़ने वाले हैं मंडे से बहुत तावड़ तोड़ हम काम कर रहे हैं कल भी आपका पी वाई क्यू है इसी चैप्टर का ठीक है इस चैप्टर का पूरा पी वाई क्यू कल मैं चार बजे कराने वाली हूँ और रात में साढ़े सात बजे आज हम उड़ान बैच में मिलेंगे उड़ान बैच का टाइमिंग आप लोग मिस कर रहे हो साढ़े सात बजे उड़ान बैच का टाइम ठीक और आपको नोटिफिकेशन जाता है फिर आप लोग भूल जाते हो ठीक है तो उसके बाद कल हमारी दो ही क्लास होंगी एक तो डीवाई की होगा इसी चैप्टर का दूसरा उड़ान बैच की क्लास होगी जिसमें नया चैप्टर मैं शुरू करी हूँ माइक्रोब्स ठीक है उसके बाद मंडे को पाँच बजे इसके क्वेश्चन कराएंगे और ट्यूसडे को भी इसी के क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो दिन में खत्म कर देंगे उसके बाद वेनसडे से मंडे को कोई क्लास नहीं है ओके सॉरी सॉरी मंडे को कोई क्लास नहीं है आपकी ट्यूसडे और वेनसडे है फिर थर्सडे से आपका अनाटमी वाला चैप्टर शुरू करेंगे और अनाटमी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिलीव मी बहुत मज़ा आने वाला है अनाटमी में और मुझे भी बहुत अनाटमी पसंद है तो मैं उतने ही मन से पढ़ाती हूँ तो एनाटमी इज अ फन वी विल मीट इन अनाटमी ऑन थर्सडे और ट्यूजडे वेनेसडे ताबड़ तोड़ सब क्वेश्चन भर भर के करने वाले हैं तो अभी चलो इस चैप्टर को जितना पढ़ा है उससे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से सब लोग जल्दी से सब लोग बिंगो लिख दो बिंगो लिख दो नहीं है मंडे को क्लास भाई नहीं है अनिष्का गलती से निकल गया मंडे छुट्टी है सिर्फ सुबह आठ से नौ एक क्लास रखी है सिर्फ एक क्लास सुबह आठ से नौ कोई स्पेशल नहीं है कोई यूट्यूब क्लास नहीं है सिर्फ एक सुबह आठ से नौ एनसीआरटी वाली क्लास है दैट सेट जल्दी से लिख दो बिंगो सब लोग एलोए एंड गार्लिक आर ऑपटेन फ्रॉम प्लांट्स ऑफ किस फैमिली के हैं एलोए और गार्लिक ओनियन गार्लिक ये सारे किस फैमिली के होते हैं बेटा स्माइल इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे बच्चों से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं हो रही है कि जब तक मैम यहाँ पे इंटरटेनमेंट आपको करी जब मैं रियली पढ़ा रही हूँ यू शुड ऑल्सो सपोर्ट द एजुकेटर ना मैं किसको पढ़ाऊँगी फिर थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है मैं समझ रही हूँ लेकिन आप जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तो तक मज़ा ही नहीं आता है क्लास में ठीक है मैं तो कहती हूँ मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप लोगों आप लोग रहते हो तो मैं खुश रहती हूँ आप लोग नहीं रहते तो मैं भी यार सैड होने लगती हूँ तो आपको पता है ना जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे मेरे स्माइल भी बढ़ते जाती है चलो जल्दी बताओ सी आर आई एंड सी इज एप सेक्ट फैमिली का है ये प्रेजेंस ऑफ विद बेसल प्लेसेंटेशन ये तो किसी को ऐसे याद भी नहीं आएगा बी ही ऐसे याद ही नहीं होगा टेपल ऑफ हाँ ये बताओ ये ये बहुत इंपॉर्टेंट टेपल्स ऑफ फैमिली टेपल्स ऑफ ग्रामी family. आज जाने सारे बच्चे कहाँ चले गए हो यार और किसी ने वो खरगोश और टर्टल वाली कहानी सुनी डेड यू गाइज लिसन टू द फुल वीडियो आर यू अ टर्टल और अ रैबिट डेड यू गाइज लिसन टू द वीडियो जल्दी बताओ मुझे वो बहुत प्यारा वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लगा था बनाने में आई डोंट नो आप पे कितना इम्पैक्ट गया हाँ बेटा अंशिका मैं समझ नहीं हूँ मैं आपको नहीं कह रही हूँ बच्चा डी आ रहा है नहीं सी होगा बेटा जी लॉडिक्यूज कॉल्चियम ऑटोम नाले बिलोंग्स टू क्या बता कॉल्ची को स... चलो जल्दी बताओ किसने किसने रैबिट एंड टर्टल वाली वीडियो देखी नहीं देखी तो जाके देखो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी से जाके देखना इसके बाद बहुत छोटी सी वीडियो आई थिंक सेवन मिनट्स की वीडियो है वो एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज मोटिवेशन दे मैम रोज कल बेटा मैम सेवन थर्टी पी माइक्रोब्स वाला चैप्टर शुरू करी हुई उड़ान बैच लीलिए में होता है ये पल्सेस इल्डिंग मेन फैमिली ऑफ प्लांट्स कौन सा किसमें पल्सेस होता है जल्दी बताओ पल्सेस किस में आते हैं गो एंड वॉच इट वो वीडियो मेरे को फील हुआ मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि बच्चे दोनों तरह के और दोनों जीत सकते हैं आपको नहीं लगता टर्टल और रैबिट वाली स्टोरी में टर्टल बुढ़ा वन सिर्फ उसके एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो पीछे रह गया तो बच्चे मेरे दोनों ही जीतेंगे बट आप क्या बन के जीत रहे हो कैसे अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है मैं बिल्कुल मानती हूँ बच्चे एक बच्चे होते हैं जिनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि कोई चीज़ वो पढ़ते हैं उनके अंदर तुरंत घुस जाती है और कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके उनसे होता है लेकिन बच्चे दोनों ही सफल होते हैं दोनों ही सफल होते हैं लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है डेडिकेशन जब तक डेडिकेशन नहीं आएगा बच्चे सफल नहीं बनेंगे ठीक डी आर आई एंड इज एबसिल्यूटली करेक्ट फैबी आइडेंटिफाई दैमिली ऑफ गिवेन फ्लोरल डाइग्राम एक्साइल प्रेसेंटेशन है तीन आपके फ्यूज है आपके इट इज लीलिए मुझे पता ही कन्फ्यूज कर रहा है विच ऑफ दिलोंग्स टू कुकुर फैमिली कुकर बिच फैमिली ये तो बता दो जल्दी बताओ कुकुर बिट फैमिली में कौन कौन आता है इसमें से सारे भाई बहन हैं जो सब्जियां आप नहीं खाते हो बिल्कुल हाय नगीना थैंक यू कुकुर बिचेसी एसी फैमिली कमॉन एवरीवन हाय काव्या शोभित सी बोल रहे हैं काव्या सी बोल रही हैं चलो सी पंकिन है। इन फ्लोरसेंस इन ग्रामिनेसी इज इन फ्लोरिस इन ग्रामिनेसी और ये अलग ही सा है इसमें नाम लिखा हुआ है इसका कमॉन एवरीवन कौन सा इनफ्लोरेसेंस होता है इनमें कम मोन बचो पारी लेट्स डू इट जल्दी से आज सारे बच्चे जाके रैबिट और रैबिट और टर्टल वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे इट्स अ रिक्वेस्ट इट्स नॉट बिकॉज हैव मेड अगर मुझे ऐसी कोई वीडियो आपके लिए मिलती है मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगी गो वॉच इट ये वीडियो आपको जाना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रही हूँ एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्लोरल फॉर्म बिलोंग्स टू दी फ्लोरल फॉर्मुला वन भी गाइनोशिम हो सकता है तीन है तो फ्यूज होगा अभी जस्ट पढ़ाया है ये जाइगोम है कमऑन एवरी वन रिसेंटली पढ़ाया है आपको जल्दी जल्दी कैसा लगा सिद्धांत सच सच बताना मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि आपको क्या लगा वो चीज़ फील हुई कि क्या ये होता है मतलब डू यू थिंक कि आपको जो बचपन में एक सीख दी गई थी वो हम कहीं भूल गए बी इज द करेक्ट आंसर ग्रामीण ने का है तो बच्चों ये अर्ली एंथ बैच आ रहा है ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए जो अभी ताज़ा ताज़ा क्लास ट्वेल्थ में आए हुए हैं तो ये ट्वेल्थ में जो ताज़ा ताज़ा बच्चे आए हैं जो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू की तैयारी करेंगे कल से ये बैच शुरू हो रहा है कहाँ पे प्लस पे तो अगर इसका हिस्सा मिलना है बनना है तो तुरंत प्लस पे ज्वाइन होंगे इसके अलावा एक और बैच आ रहा है थर्टी फर्स्ट मास से नी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ट्वेंटी ईयर्स पी वाई क्यू को लेके ये भी प्लस पे आ रहा है और अगर आप प्लस पे आएंगे तो ये डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आप अभी ले सकते हैं और कोड लगाएंगे साक्षी हंड्रेड जिससे आपको इमीडिएट टेन परसेंट ऑफ मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी रिमेंबर द कोर्ट साक्षी हंड्रेड एंड ये सारे एजुकेटर आपको प्लस पे पढ़ा रहे हैं तो डो नॉट फॉर ये सारे बेस्ट एजुकेटर इसके अलावा सिक्सटी प्लस एजुकेटर और हैं जो आपको प्लस पे पढ़ाने वाले हैं जो कि आपको दिख नहीं रहा है तो ये सिक्सटी प्लस एजुकेटर और हैं और ये सारे प्लस एजुकेटर्स हैं इसके अलावा अलावाडमी कॉम्बैट हर संडे हो रहा है जहाँ हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिल रही है और वन फिफ्टी एक्स्ट्रा विनर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा लगा सिद्धांत टेस्ट आपके लिए शेड्यूल्ड में बेटा हर एजुकेटर के अलग 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 दिन ये सारे फ्री हैं आप जो अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड कर सकते हैं हाय तो आप बहुत लेट हैं बेटा तो ये साक्षी हंड्रेड मेरा कोड है और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यही कोड लगाएंगे जिससे आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी बच्चों तो डो नॉट फॉगेट सिक्स मंथ ट्वेल्थ मंथ एटीन ट्वेंटी फोर जो भी आप लेंगे प्लस लेंगे आइकॉनिक लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है फॉलो मोन एन अकेडमी आज साढ़े सात बजे क्लास है मेरी किसकी उड़ान बैच में लास्ट सेशन ले रही हूँ मैं ठीक है फूड वाला एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा दिया प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा दिया आज सोमा क्लोनर और टिश्यू कल्चर वगैरह पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हल्के में मतलब और प्योर एनसीईआरटी आज पढ़ाऊंगी प्योर एनसीईआरटी तो डेफिनेटली आके देखना 7:30 आज वो लेक्चर है और 9:30 स्पेशल क्लास में मैं इवोल्यूशन को वन शॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन करा रही हूँ टू नॉट फॉरगेट टू कम इन बोथ दी क्लासेस डिस्चार्ज द फ़ोन क्या करें बेटा मेरा टाइमिंग सेम है ना आज तो हमारी दूसरी क्लास ने कंफ्यूज कर दिया तो लाइक ज़रूर करिएगा शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है क्लियर है बच्चों क्लियर है यस तो सी यू एट सेवन थर्टी इन यूट्यूब एंड नाइन थर्टी ऑन स्पेशल क्लास कल आपकी क्या क्लास है तीन क्लास होगी एक बजे आपकी स्पेशल होगी एज यूजल शाम को चार बजे पी वाई क्यूँ होगा इसी चैप्टर का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और साढ़े सात बजे एक नया चैप्टर शुरू करी उड़ान बैच में ये तीन क्लास कल के लिए ओके okay? थैंक यू बच्चा पार्टी हैव अ ग्रेट डे बाय